Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. Bharat High Star Stove. Save more, serve more. बजट 2024 अब महज चंद दिनों की दूरी पर रह गया है। भले ही इस बार 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट अंतरिम बजट की शक्ल में आएगा, लेकिन इससे भी उम्मीदें काफी हैं। इसमें एक बड़ी उम्मीद कैपेक्स को लेकर है। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसी पूंजी होती है जिससे सरकार लंबे वक्त के लिए एसेट्स तैयार करती है। इसमें इंफ्रा, बिल्डिंग्स जैसी एसेट्स शामिल हैं। कैपेक्स को लेकर शेयर बाजार की भी बड़ी उम्मीदें रहती हैं और इन्वेस्टर्स की भी। मसलन वे कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें सरकार के कैपेक्स पुश से फायदा हो सकता है। अब एक बड़ी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में इसी कैपेक्स से जुड़ी कंपनियों के शेयरों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की गई है। ये भविष्यवाणी की है ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने। जेफरीज ने कहा है कि मोदी सरकार ने फिनेंशियल ईयर 2026 तक फिस्कल डेफिसिट को घटाकर जीडीपी के 4.5% तक लाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। जेफरीज के मुताबिक इससे होगा ये कि सरकार की टोटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले इस साल महज 8% पर अटक सकती है। कहने का मतलब ये है कि कैपेक्स में अगर ये सुस्ती आई तो इसमें इन्वेस्टर्स में मायूसी पैदा हो सकती है। आपको याद दिला देते हैं कि पिछले साल के बजट यानी 2023-24 के बजट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए कैपेक्स के लिए आवंटित किए थे। जेफरीज ने कहा कि गुजरे 5 साल में सरकार का कैपेक्स 3 गुना बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन के चलते ये ग्रोथ 7-8% पर ही सिमट सकती है। जेफरीज का कहना है कि इस कमजोर आंकड़े से बाजार का मूड बिगड़ सकता है। जेफरीज ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए ये भी कहा कि इससे सरकारी कैपेक्स प्रोग्राम पर आधारित शेयरों में कुछ गिरावट दिखाई दे सकती है। हाल में ही जेफरीज ने अपने इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो में L&T को डाउनग्रेड करके इसे न्यूट्रल रेटिंग दे दी थी। जेफरीज की रिपोर्ट से बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग समेत कैपेक्स से जुड़ी कंपनियों में क्या बजट के बाद सुस्ती दिखाई दे सकती है। जेफरीज ने यह भी कहा कि चुनावों को देखते हुए इस बात की आशंका कम ही है कि सरकार टैक्स में कोई इजाफा करेगी। हालांकि सरकार चुनाव के बाद ज्यादा कैपिटल गेन्स टैक्स जैसे कदम उठा सकती है। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि चुनावों के बाद सरकार विनिवेश के ट्रैक पर तेजी से आगे बढ़ सकती है। इसमें रेलवे और डिफेंस सेक्टर की ऐसी कंपनियां निशाने पर रह सकती हैं जिनके शेयरों में हाल के दौर में जबरदस्त तेजी दिखाई दी है। जेफरीज ने कहा कि सरकार की प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में कॉनकोर, BEML, IDBI और SCI भी शामिल हो सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि सरकार अंतरिम बजट में तंबाकू पर शायद ही कोई टैक्स बदलाव करे। तंबाकू पर टैक्स बदलाव का सबसे ज्यादा असर ITC और दूसरे तंबाकू स्टॉक्स पर पड़ता है। इसके अलावा मार्केट की उम्मीद है कि बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर में FPI लिमिट को मौजूदा 74% से बढ़ाकर 100% किया जा सकता है। जेफरीज ने यह भी कहा कि सस्ते घरों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कुछ चुनिंदा डेवलपर जैसे लोढ़ा और सिंटेक के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा इससे आवास, होम फर्स्ट जैसी हाउसिंग फिनेंस कंपनीज को भी फायदा हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वेलफेयर स्कीमों से सीमेंट और रूरल रिकवरी को बूस्ट मिल सकता है। तो कुल मिलाकर बजट आने से पहले इंडस्ट्री संगठनों से लेकर आम लोग और ब्रोकरेज हाउसेस तक सभी अपनी अपनी डिमांड्स, उम्मीद और कयास लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो उसमें क्या ऐलान होंगे, किन सेक्टरों, इंडस्ट्रीज और लोगों की उम्मीद पूरी होंगी या नहीं। साथ ही देखना यह भी होगा कि मार्केट बजट पर कैसे रिएक्ट करता है और किन शेयरों में इससे रफ्तार आएगी और कौन से शेयरों में गिरावट दिखाई देगी। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।